चलते रहे हर कदम पर दुख मिले फिर भी हम चलते रहे निशात इम्तिहान से भी फारिग हो चुकी है, मेरे ख्याल में अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो ये बात मैं जाकर कहूँगा उनसे? ये बात तो रेहान के घर वालों को सोचनी चाहिए। मुझे तो लगता है उन लोगों को कोई जल्दी नहीं है। तो और क्या, वैसे भी उसने बीए किया है, हो सकता है आगे पढ़ना चाहती हूँ। तुमने बात की उससे? ओहो, मैं मंगनी के बाद शादी जल्द कर देना चाहती हूँ। और वैसे भी अगर वो पढ़ना चाहेगी तो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। रिहान या उसके घर वाले उसे पढ़ने से मना तो नहीं करेंगे। लेकिन मैं नहीं कह सकता उनसे जाकर ये बात। थैंक यू। मुझे तो मारुख की फिक्र भी शुरू हो गई। मेरा क्या जिक्र हो रहा डैडी? तुम्हारा जिक्र कौन कर रहा था? मुझे पता है मम्मा मेरे बारे में कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी? हाँ, वो ये कह रही थी कि पढ़ने लिखने में दिल लगता नहीं तुम्हारा, तो तुम्हारी शादी कर देती। व्हाट, शादी कर दे? किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप लोग? किसने बोला मुझे पढ़ने पढ़ने का दिल नहीं चाहता? इतने अच्छे ग्रेड आते हैं, एक ग्रेड आता है मेरा। और वैसे भी सुबह सवेरे आपने किस किस्म की बातें करना शुरू कर दी हैं? अच्छी बातें कर रहे हैं नाश्ते के बारे में। और आप लोग क्या नाश्ता कर रहे हैं? बस ये इस पर रखा देती है, हमें बेटियों के लिए जबरदस्त नाश्ता बनता है। अब आपकी उम्र वो तो रही नहीं कि मैं आपको पूरियां और पराठे बना के खिलाऊं। अभी हमारी उम्र ही क्या? डैड इज ओनली 60 ईयर ओल्ड मामा। ये कौन आ गया सुबह सुबह? मेरे ख्याल में असफर आया होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो, चाय पियो हमारे साथ। भाई चाय क्यों, पूरा नाश्ता करूंगा मैं। आ गए सुबह सुबह मुफ्त खोर। बुरी बात है, ऐसी बातें नहीं करते। अरे आप रहने दे मोमानी जान, मैं इस तरह के कम अक्ल लोगों की बातों का बुरा नहीं मानता। आप प्लीज नाश्ता बनवाए। वो निशात का है? अरे अभी तो उसके इम्तिहान खत्म हुए, देर तक सोती रहती है वो। वैसे हाँ, बड़ी मेहनती है। वैसे कुछ लोग हैं जिनसे बड़ी मुश्किल से पढ़ा जाता है। अलवेरा कहाँ है? आ रही है। बड़ा मजमा लगा हुआ है और सबके सब नाश्ता उड़ा रहे हैं। मुझे क्यों नहीं उठाया आपने? इतने दिनों से तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई थी, हमने सोचा कि तुम सही तरह आराम कर लो। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों के लिए क्या बनवाऊं नाश्ते में? जो आसानी से बन जाए। ये हुई ना मैनर्स वाली बात। वैसे मोमानी जान, कभी कभी मुझे बड़ा अफसोस होता है। क्यों, अफसोस क्यों होता है, क्या हुआ? इसी बात का मोमानी जान, आपकी दोनों बेटियों में जमीन आसमान का फर्क है। एक इतनी मुहज्जब और डिसेंट और दूसरी अल्लाह माफ करे। क्यों मेरे पीछे पड़े रहते हो हर वक्त? अरे मैंने क्या कहा? वैसे मुझे एक सदमा और भी है। अब किस बात का सदमा है आपको? भाई मैंने आने में देर कर दी और रेहान साहब फायदा उठा गए। शुरू हो गई ना तुम्हारी बकवास। आप शायद ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती। मुझे बात सुनना ज्यादा पसंद है। वैसे ये भी बड़ी अच्छी बात है, जब इतने सारे बोलने वाले हो तो कोई तो सुनने वाला होना चाहिए ना। वैसे मेरे पास आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी तजवीज है। कैसी तजवीज?
देखिए पूरा हफ्ता काम कर करके हम लोग इतना थक जाते हैं, आज कहीं पिकनिक पे चलते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है। पिकनिक पर कहाँ जाएंगे? कहीं भी चलते हैं अगर आपकी इजाजत हो तब। हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हो। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप और मुमानी जान भी साथ चलें, आप दोनों की भी आउटिंग हो जाएगी, वी हैव अ लॉट ऑफ फन। अरे हम लोग कहाँ जाएंगे, तुम लोग आराम से जाओ घूमो फिरो। आंटी मैं आपके साथ घर पे रहूंगी। पागल हो गई हो क्या, तुम क्यों नहीं जाओगी? अलविदा बाजी, अब फजूल बातें मत करें, आप जरूर चलेंगे हमारे साथ, और आप हमेशा ऐसी बातें करती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरे ख्याल से हम लोग अभी निकलते हैं ताकि मगरिब तक वापस आ जाएं। अच्छा खाने पीने का क्या होगा? अरे मुमानी जान रास्ते में इतने होटल जाते हैं, वहाँ से कुछ खाने का ले लेंगे। और आप प्लीज अपने वुड भी दूल्हा मियाँ को भी फोन कर दें कि वो भी आ जाए। पता है मुझे कुछ बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब इस वक्त क्या हुआ है? माइंड ना करना, लेकिन असगर बहुत फ्री होने की कोशिश करता है और मुझे अजीब घबराहट होती है। अलविदा तुम जानती हो वो मस्करा है, हर किसी के साथ मजाक करता रहता है, और तुमने देखा तो है कि मारूख के साथ उसकी किस तरह छेड़छाड़ चलती रहती है। मारूख उसकी कजन है और मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, बहुत फर्क है। अलविदा तुम भी अब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। आई नो थैंक यू, लेकिन मुझे उसका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा अब इस तरह यहाँ अकेली मत बैठे, इंजॉय करने आए हैं यार। घर छोड़ के ठीक भी किया है कि नहीं, आखिर पापा बहुत हर्ट हुए होंगे ना, लेकिन मैं क्या करती, उनकी नई बेगम तो मेरी नर्व्स पे सवार हो गई थी। इतना ज़्यादा नहीं सोचो, तुम कुछ दिन यहाँ रहो तुम्हें रिलीफ मिलेगा, और वो तो तुम्हारा अपना ही घर है, वहाँ तो तुम कभी भी जा सकती हो। पता नहीं मेरी इस हरकत के बाद पापा मुझे एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, वो तुम्हारे फादर हैं और माँ बाप अपने बच्चों की गलतियों पर उनसे नाराज़ नहीं होते। वैसे भी एग्जाम्स ख़त्म हो गए, समझ में नहीं आ रहा कि सारा दिन घर पे करें क्या। अरे भाई ये तो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सारा दिन क्या करें, बाहर जाएं, घूमें फिरें, कैफे जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, शॉपिंग करें, पार्लर जाएं, बल्कि आई थिंक आप लोग अपने बेस्ट डे में आप लोगों को पार्टीज में जाना चाहिए। क्यों सोचेगा, जिंदगी इतनी छोटी है, एंजॉय करना चाहिए ना।
बट ऑब्वियसली आप लोग की बात क्यों समझेंगे, इतने बोर जो हैं। अरे क्या हो रहा है भाई, क्या बातें हो रही हैं। अच्छा लड़कियों सुनो, मैं थोड़ी देर के लिए पार्लर जा रही हूँ। आंटी मैं भी आपके साथ चलूँ, घर में बोर हो रही थी। हाँ हाँ ज़रूर, बल्कि अगर आप इजाज़त दें तो आपके पार्लर में मैं कुछ काम सीख लूँ। क्यों नहीं, देखो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन कहीं तुम्हारे पापा। अच्छा खैर चलो मैं उन्हें खुद ही समझा दूँ, जाओ जल्दी से तैयार हो क्या फटाफट। संगे गिरा है ये जिंदगी, गिरा है ये जिंदगी। यानी तुम? जी पापा मैं ब्यूटिशन का काम सीख रही हूँ। लेकिन क्यों, क्या हुआ तुम्हारे इतने बड़े बड़े दावे, तुम और तुम्हारी पढ़ाई? पापा यूनिवर्सिटी बंद है, छुट्टियाँ, इसलिए यहाँ आ गई थी। अरे अजहर भाई आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आज यहाँ कैसे आ निकले? असल में यहाँ से गुजर रहा था, अलवीरा को देखा तो रुक गया, चलता हूँ। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, बहुत दिनों से आप घर नहीं आए, आज हमारे साथ चलें और साथ में खाना खाएं। असल में वो सोहा की तबीयत ठीक नहीं है, इंतज़ार कर रही होगी। ओ मैं तो भूल ही गई, अब कैसी तबीयत है उनकी? बेहतर है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो इस खुशखबरी की। थैंक यू, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो तुमने सोच ही लिया तो पार्लर ज्वाइन करूँगी? हाँ यार फालतू बैठे बैठे थक गई हूँ, सोचा कोई काम ही कर लूँ। फालतू बैठे बैठे आप मूवीज देखें ना, फ्रेंड्स के पास जाएं, मतलब पार्लर तो ऐसे ही जाना चाहिए ना, आपने ज्वाइन कर लिया काम करने के लिए अब। हेलो, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। वो क्या? मुझे अपार्टमेंट मिल गया। चलो ये तो बहुत अच्छा। थैंक गॉड, अब हम तुम्हें तुमसे निजात मिलेगी हमें। वैसे निजात मिलने का भी कोई सिलसिला नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ लड़कियों को ही सूट करते हैं, जैसे मेरा अपार्टमेंट सेट करना। सामान कहाँ है आपके पास जो अपार्टमेंट सेट करेंगे? मैं तो बेवकूफ़ नजर आता हूँ तुम्हें, मैंने सब कुछ ऑर्डर कर दिया, कल सारी चीज़ें मेरे घर पर सुबह पहुँच जाएंगी। तो ये कि सुबह 10 बजे तुम तीनों लड़कियाँ तैयार रहना, मैं तुम तीनों को पिक करूँगा और तुम तीनों चल के मेरे अपार्टमेंट को सेट करोगी और दोपहर का खाना भी बनाओगी। क्या कितने बदतमीज हो तुम, ये तुमने प्लान किया है हमसे पूछे बगैर? तुम मेरी किस किस्म की कजन हो यार, मैंने एक अपार्टमेंट लिया, एक दिन तो मेरी मदद कर दोगी तो क्या बूढ़ी हो जाओगी? लेकिन आई मीन मैं जाके क्या करूँगी? वही जो बाकी सब करेंगे। लेकिन हाँ हाँ तुम ही चलोगी बस हमारे साथ। तो फिर सेट है, सुबह 10 बजे तुम तीनों तैयार रहना और तुम जाके अब मेरे लिए भी चाय बनाओ प्लीज। 10 बजे ठीक, कड़वी तुमने पी थी ना? आप भी कोई मशवरा दे दे। मैं? हाँ फर्ज करें ये घर आपका अपना होता, फिर आप इसको कैसे सजाती? क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि मतलब छोड़े, जब से आए हुए हैं पूरा घर सेट कर लिया हमने, एक प्याली चाय को नहीं पूछा तुमने। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मैं जब से मैंने किचन का एक सामान नहीं लिया। एक काम करता है, पास एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ चाय क्या, तुम दोनों को लंच कराता हूँ। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाने वाली नहीं हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। आप
तुम दोनों बहनें बड़ी धोखेबाज हो, वो तो आई नहीं और तुम इतनी जल्दी थक गई। कोई नहीं थकी, चलो चल के हम रेस्टोरेंट जाके लंच करते हैं। हाँ, आपके पास बैठ सकती हूँ? जी जी जरूर। क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूँ? जी मेरा नाम ताविंदा है, अपने फ्रेंड के साथ यहाँ अक्सर आती हूँ। वैसे इकोनॉमिक्स में एमए कर रही हूँ और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही मेरा स्टे है। हॉस्टल में? तो इसका मतलब है आप कहीं और से आई हैं?